नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित है और आज हम बात करना चाह रहे हैं अपने ब्लॉग में ड्रॉइंग फील्ड की मिट्टी और 350 के बारे में, जो मेरे इसके साथ एक्सपीरियंस रहा है। क्योंकि ये बाइक मैंने 7th अप्रैल 2021 को ली थी और आज से 2 महीने से ज़्यादा ऊपर हो चुके हैं और जो इसका अभी टोटल रन हुआ है वो आपका अप्रॉक्सीमेटली 950 किलोमीटर ये चल चुकी है, आप देख सकते हैं। जो इसकी फर्स्ट सर्विस हुई है वो मैंने अप्रॉक्सीमेटली 570 किलोमीटर्स में कराई थी और 2 महीने के बाद, क्योंकि कोरोना की वजह से शोरूम वगैरह बंद थे, सर्विस वगैरह नहीं हो रही थी। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा आपको कि इस बाइक के साथ अभी तक जो मेरा रॉयल इनफील्ड की अदर बाइक, जैसे कि इससे पहले मैंने क्लासिक 350 जो ड्राइव करी है उसके मुकाबले ये मुझे काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल लगी, और बाकी बातें भी आगे करेंगे। तब तक आप लीजिए कुछ सिनेमैटिक शॉट्स। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको सिनेमैटिक शॉट्स पसंद आए होंगे। अब बात करते हैं हम बाइक के बारे में। जैसा कि मैंने इससे पहले आपको बताया कि ये बाइक जो है 950 किलोमीटर्स चल चुकी है, और ये बाइक में अभी तक मैंने लॉन्ग टूरिंग तो नहीं करी है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कहीं जो था हमारे बॉर्डर्स वगैरह सील थे और ना ही हमें कहीं जाने की इजाज़त थी सरकार द्वारा। तो आगे बात करते हैं बाइक के बारे में। बाइक की मुझे पड़ी आपकी 2,39,600 की, और उसके बाद जो मैंने इसकी फ़र्स्ट सर्विस करवा दी है, फर्स्ट सर्विस जो मैंने कराई वो मुझे जो था वहाँ पर थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हुई थी बिलिंग के, जो वहाँ पे बिलिंग बना रहे थे उनके द्वारा, क्योंकि उन्होंने जो मेरा बिल बनाया उन्होंने 1300 कुछ बना दिया था जो कि एक्चुअल में इतना बिल था नहीं। तो उनसे थोड़ी बहुत मेरी बिल के लिए बात हुई और बाद में पता लगा कि जो बिल की जो ओवरऑल कॉस्ट था वो आपका 700 अप्रॉक्स आया। तो बात करते हैं दोस्तों बाइक के सर्विस के बारे में, क्योंकि वो एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मुझे लगता है, क्योंकि कुछ कस्टमर्स हमारे जो होते हैं वो बिल में देखते नहीं हैं, चेक नहीं करते हैं कि क्या क्या उन्होंने कॉस्ट, क्या क्या उन्होंने पार्ट ऐड किए हुए हैं। तो जब मैंने बाइक की पहली सर्विस करने गया तो मैंने उनसे पूछा कि इसमें क्या क्या चेंजेस होंगे और क्या आप करेंगे इसमें पहली सर्विस में, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि इंजन ऑयल चेंज होगा और फिल्टर चेंज होगा प्लस गैसकेट चेंज होगी। तो मुझे लगा गैसकेट, क्योंकि होता है जब इंजन में कुछ प्रॉब्लम आती है, टिपट वगैरह को जब आवाज़ करते हैं तब गैसकेट का इशू आता है। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या गैसकेट हर बाइक में पहली सर्विस में आप चेंज करते हैं, तो उन्होंने बताया कि नहीं, ये सिर्फ मेटियोर में ही है ऐसा। मैंने कहा ओके। तो उसके बाद जब मेरी बाइक सर्विस होने गई, और आपके आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगा मैं कि जब बाइक सर्विस हो रही थी, तो मैंने जो वहाँ पे हमारे सर्विस करने वाले जो व्यक्ति थे उनसे मैंने पूछा कि क्या हुआ इसमें और क्यों उसके गैसकेट आप चेंज कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, ऐसा चेंज नहीं होना है इसमें। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि नहीं, आपकी ये बाइक बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई आवाज़ नहीं कर रही है, और हम गैसकेट सिर्फ उसमें चेंज करते हैं जिनका कि इंजन में से आवाज़ आने शुरू होती है। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या इसमें और कोई चेंज होंगे, उन्होंने कहा नहीं, सिर्फ ऑयल फिल्टर जो होता है वो चेंज करेंगे और ऑयल चेंज होगा, बाकी नॉर्मल इंस्पेक्शन जो होता है वो होगा। तो वो हमारा इंस्पेक्शन वगैरह हुआ, बाइक कंप्लीट हुई। तो बाइक में जब लेने गया तो उन्होंने उसमें गैसकेट जो थी वो वर्थ 695 रुपीज़, तो ये उन्होंने ऐड कर दी थी, जो टोटल बिल जा रहा था मेरा 1400 के अप्रॉक्स जा रहा था। तो उस बात मेरी थोड़ा बहस हुई, मतलब मैंने उन्हें बताया कि आपने किस लिए ये आपने चार्जेस लिए हैं, और अगर क्योंकि मैं बाइक के साथ ही पूरा टाइम वहीं पर था, बाइक क्योंकि मैंने बाइक में आंखों के सामने थी, मैं देख रहा था कि क्या क्या चेंज हो रहा है इसमें, तो मैंने उन्हें ये बात बताई।
तो फिर जाके उन्होंने बिल जो है मेरा 712 या 713 जो मैं आपको आगे ऊपर एक इमेज में आपको शेयर कर देता हूँ, आप वहाँ पे देख पाएंगे। यहाँ पे मिट्योर को सर्विस सेंटर पे ले जाते हुए वहाँ के एम्प्लॉय तो वीडियो में जिस बिल के बारे में आपसे बात कर रहा था ये वही बिल है। इसमें अगर आप देखेंगे तो पेन से इन्होंने ये बिल दोबारा बनाया, जबकि जो पहला बिल आया था वो प्रिंटेड था, जिसमें कि जो मुझे दाम चुकाना था वो 1300 के आसपास था। तो दोस्तों ये रहा था मेरा बाइक के साथ अभी तक का 2 महीने का एक्सपीरियंस, और जैसा जैसा मैंने आपको बताया, जैसे जैसा मैंने इसके साथ बाइक के साथ फील किया, जैसा मैंने पहली सर्विस कराई, वो सब आपके साथ मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। और आगे आगे जैसे जहाँ पर मैं टूरिंग करता हूँ या इस बाइक के साथ जहाँ जहाँ जाता हूँ, क्योंकि ये बाइक मैंने मोस्टली घूमने के पर्पस के लिए ली है, तो जैसा जैसा मेरे साथ मैं इस बाइक के साथ एक्सपीरियंस करूँगा वो आपके साथ मैं शेयर करूँगा। और क्योंकि आपने ये वीडियो देखा है, अभी तक देखा है, तो आप अगर ये अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, अगर नहीं लगा है तो आप डिसलाइक कीजिए, कमेंट करिए, और आप कुछ और मुझसे चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं आपका भविष्य में उनका जवाब दे पाऊँ। और दोस्तों तब तक के लिए आगे हम और वीडियोस लाते रहेंगे, और तब तक के लिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मास्क ज़रूर पहनिए, क्योंकि अब कोरोना से हमें बचना है और उसके लिए तैयारी करनी पूरी है। और आगे के लिए तब तक के लिए नमस्कार, और जल्दी आपसे मुलाकात होगी।